अरे वो बंदा भाग रहा है, भाग रहा है। एक का डैमेज 33 करके फिर से कवर ले लिया भाई। कहाँ पर? ओ यहाँ पर मारा, खत्म। यहाँ पर एक बंदा, ओहो सामने से आके ही MP40 चला दिया। ग्लूहल कवर कहाँ 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 से यार, ग्लूहल के पीछे से मेरे भाई, आई थिंक पीछे से घूम रहा है। जल्दी से हिल करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अर्पण गेमिंग, वेलकम टू फ्री फायर बैटल ग्राउंड। तो आज हम खेलेंगे रैंक सोलो एंड यूज करेंगे नो स्किन ड्रैगन ए के। तो देखते हैं नो स्किन ड्रैगन ए के असल में है या अच्छा नहीं है, तो आज देखेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक और प्रो टिप्स चलता रहेगा। तो जो भी भाई हो चैनल पर नए आए हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं रैंक सोलो। एंड पहले तो उतर रहे हैं हम ब्राज़ीलिया पे, तो बहुत बहुत घमासान माहौल है। और पांडा लेके जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। ओ ऊपर एक बंदा आ रहा है। अच्छा, ओ भाई। और नया पेट कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारा टेस्ट कर रहा था उस नया पेट की तरफ। उतना भी खास मेरे को नहीं लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कि नया पेट कैसा है। तो चलो, मिल चुका है मेरे को ड्रैगन एके, और ड्रैगन एके के साथ साथ एक MP5, ड्रैगन एके एंड MP5 मेरे को मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। और ऊपर चलेंगे, देखते हैं बंदे लोग क्या कर रहे हैं। MP5 लिया हूँ हैंड ड्रैगन ए के। यहाँ पर ऊपर भी बंदा हो सकता, नहीं बंदा है। और ब्राज़ीलिया पे तो बंदे ही बहुत कम आते हैं, क्योंकि अपडेट के बाद लैग करता है, मतलब लैग तो करता ही है। एंड दूसरा हो चुके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर चलो ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं बंदा कहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग। Level 2 का वेस्ट एंड अपडेट करेंगे, बेस्ट अपडेटेड से, बहुत ही बढ़िया। अच्छा Level 4X, तो यहाँ पर 2X यहाँ पर लगाएंगे, बेस्ट अपडेट कर लिया। चलो अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं बंदा है कहाँ पर। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऊपर अब बंदा है, बंदे को मारेंगे, वो भी नो स्किन AK से, नहीं तो MP5 से। नो स्किन AK लेके देखते हैं क्या होता है असल में नो स्किन का डैमेज। यहाँ पर आसपास आई थिंक बंदा है, क्योंकि ब्राज़ीलिया पता नहीं चलता जब लड़ाई नहीं हो रहा हो, ब्राज़ीलिया पूरा शांत हो, आप समझ लेना कि कहाँ पर भी बंदा बैठा होगा ही होगा, क्योंकि छुप के बैठे रहते हैं वो लोग। मतलब कैंप करते हैं ब्राज़ीलिया के, कैंप करते हैं वो लोग और फ़ायदा लेने की ट्राई करते हैं। तो ऐसे बंदे ज़्यादातर मारे जाते हैं जो लोग ऐसे कैंप करते हैं, और जो लोग थोड़ा मार के खेलते हैं ब्राज़ीलिया पे वही टिकता है। आई थिंक यहाँ पर नहीं है, चलो ऊपर चलेंगे देखते हैं। यहाँ पर तो बंदा कहाँ पर बैठा है देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, उस घर पे से बंदा देख रहा है कैंपर। चलो नो स्किन से देख रहे हो 2x से। ओ 16 17 18 का पड़ रहा है। आई थिंक नो स्किन से फर्स्ट डैमेज बहुत ही सही है, मेरे को सही लगा नो स्किन से। वो बंदा उधर घर पे बैठा है, तो इस घर पे भी आई थिंक देखते हैं बंदा हो सकता है, क्योंकि सब लोग कैंपर होते हैं बजीलिया पे जब फाइट ना हो। यहाँ पर बंदा है कि नहीं वो देखो, यहाँ पर देखो पीछे से मार रहा है। ओ माई गॉड, पीछे से बंदा बैठा है। तो पहले तो कवर लेंगे। वो देखो यहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरे भाई, मेरे को लगा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कवर ले सकते हो, मैं जहाँ पर लिया ठीक है। चलो नीचे चलते हैं देखते हैं, आई थिंक बंदा है। ओ यहाँ पर बैठा है, कार दिखा और 55 का डैमेज, मतलब कहाँ पर मारा है। ग्लोअल का कवर वो भी ले लिया, मैं भी ग्लोअल का कवर ले लिया। देखते हैं बैकअप, ओ बैकअप शॉट मारने की कोशिश पर बंदा भाग गया। आई थिंक मेरे को पीछे भागा था, नहीं पीछे नहीं भागा, भाग कहाँ गया मेरे भाई। ये कैसे मारूंगा तेरे को, क्लोज रेंज पे AK भी आप यूज़ करो, बट उससे भी ज़्यादा बेहतर मिड रेंज पे AK ठीक है भाई, लॉन्ग रेंज पे यूज़ करो ठीक है, बट मिड रेंज। ओ बंदा भाग रहा है, देखो ये देखो भाग रहा है, तू कहाँ भागेगा। 33 करके डैमेज, बंदा ग्लोअल का कवर ले लिया और जल्दी से पुश करेंगे। एंड एक MP5 का शॉट, पूरा बंदा ख़त्म यहाँ पर, और जल्दी से इसको लूट करेंगे। Level 4 का भेज तो पहले ही लेंगे। ओ मेरे भाई पीछे से पड़ रही है, कहाँ से मार रहा है मेरे भाई तू। आई थिंक ऊपर से मार रहा है ग्लूअल फोड़ने की कोशिश, एंड मैं ग्लूअल लगा दिया। पांडा का डांस कर रहा है वो बंदा कहाँ पर बैठा, आई थिंक ऊपर बैठा होगा, नहीं तो नीचे से भी मार सकता है। तो यहाँ जगह पे नहीं रुकना ठीक नहीं है,
क्योंकि इस जगह पे रुकोगे ना तो पीछे से भी बंदा आ सकते हैं, तो खुले में कभी मत रुको। जहाँ पर रुको बंदा एटलीस्ट कवर ले सको ऐसी जगह पे रुको। तो आई थिंक कहाँ पर बंदा बैठा है देखते हैं, उस घर पे होगा, यहाँ पर तो नहीं है। आई थिंक वो बंदा यहाँ पर बैठा है, तो कहाँ पर बैठा है एक बार ढूंढते हैं उसको। ओ भाई साहब, ओहो लड़ाई चल रही है यहाँ पर, सोलो पे यही दिक्कत है, कोई आपको मार देगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। और जो दिक्कत बहुत ही बड़ा है, ओ यहाँ पर बंदा जा रहा है 24 25। ओ भाई बहुत ही बढ़िया यार, नो स्किन से तो फोड़ दिया। ओ भाई 25 करके डैमेज, 11 बंदे देख रहे। आई थिंक ये बंदा था अच्छा बंदा जो सबको किल कर रहा था, बहुत ही बढ़िया। एंड वो बंदे को जाके लूटेंगे। और यहाँ पर वो बंदे मॉन्स्टर तक लेके जा रहा था, और ऊपर से मैं देख रहा था बंदे को ढूंढने की चक्कर में, तो बंदा गया एकदम से। अच्छा यहाँ पर सामने आई थिंक बंदे को देखा था। ओहो नेट करेंगे जल्दी से नेट, इस घर के ऊपर एक बंदा है, तो हम लोग रश करेंगे इस घर के ऊपर, वो भी सोलो पे। और यहाँ पर जो मैं देखूंगा, देख रहे हो आपके साथ ही हो तो ज़रूर बताना, मेरे को हो रहा है कि मैं जब ग्लूवल मार रहा हूँ, जो ग्लूवल हो रहा है ना, वो ग्लूवल सही से नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि लगने में स्लो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको हो रहा है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे, किंतु मेरे को हो रहा है ऐसा, मैं ग्लूवल ही नहीं लग रहा है। इस देखना कुछ देर के बाद, मैं थोड़ा सा हील कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रश करने जाऊँगा, क्योंकि रश नहीं करूँगा तो पहले रश किया था तो ग्लूवल लगाया था, फिर से बंदा आ गया मारा दोस्त। भाई ग्लूवल का कवर लेंगे, देखो कितना स्लो लग रहा है ग्लूवल, मैं प्रेस कर रहा हूँ और फिर भी ग्लूवल देख रहे हो लग ही नहीं रहा वो। बड़े भाई गया बंदा, कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है आई थिंक, मतलब स्लो एकदम स्लो रह रहा है। और ये छोटा शॉट गन को तो एक गोली मिस गया ना तो मुश्किल है इसको मारने। फिर से ग्लूवल का कवर देखो कितना स्लो लग रहा है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, नहीं मार रहा हूँ कि देखो ग्लूवल क्या हो रहा है। मेरे पास ज़्यादा ग्लूवल था, फिर से ग्लूवल लगा, ये सही लगा, तो दो शॉट गन मारा एंड ख़त्म। तो देखो लास्ट ग्लूवल सही लगा, बट जितना भी यहाँ पर ग्लूवल लगा है ना, बहुत ही स्लो लग रहा है। आई थिंक क्यों पता नहीं यार, आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर बताना, ग्लूवल बहुत ही स्लो लग रहा है। और यहाँ पर वो बंदा फ़ायदा लेने के लिए आ चुका है, पहले तो इसको तो यहाँ पर फेंकेंगे स्टन ग्रेनेड। आई थिंक मेरे पास ग्रेनेड ही नहीं है। तो भाई साहब कहाँ पर बैठे हो तुम, मेरे भाई यहाँ से निकलो, चलो स्टंट ग्रेनेड फेंकते हैं। एक फेंका बंदा निकलेगा। ओ भाई ये देखो कुछ, देखो डिफॉल्ट पे देखो, इसका एम ही नहीं लग रहा है क्या है भाई, मैं उसके ऊपर मारा। फिर चलो ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, सब लोग घर पे ही रश करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप ऊपर चले जाओ। और ग्लू वॉल का क्या बताया यार, देखो पेड़ के पीछे बंदा बैठा है, उसको लगा ही नहीं मैं इतना एम कर रहा था यार अच्छा चलो देखते हैं नीचे, अब लड़ाई चल रही है बहुत तगड़ों की लड़ाई। ये मॉन्स्टर टक देखो लेब में से फिर से और एक बंदा जा रहा है, वो देखो पानी में से भी बंदा जा रहा है, उसको छोड़ते हैं पहले यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पीछे से भी पराना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पे कवर पे बैठा है बंदा, कवर लेंगे यार, जब भी इसी सिचुएशन घर पे रहना चाहिए। अब घर से तुरंत से ऊपर नीचे उतरोगे ना तो कोई भी आपको मार सकता है, इसीलिए एकदम सबाइव के ध्यान में रहना चाहिए, रश ऑल टाइम के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। ओ भाई आई थिंक नेट नहीं कर रहा है ये लोग, ये देखो यहाँ पर बैठा है एक बंदा 27 28, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर मारा है ख़त्म, तो बहुत ही बढ़िया डैमेज दे रहा है। नो स्किन एक है तो मतलब जहर है, एके ही है। स्कार होता तो आई थिंक 25 24, नो स्किन स्कार, बट एके दे रहा है 27 28, ये बहुत ही बढ़िया है जो डैमेज, मेरे को अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आई थिंक बंदा है, बट इसको केयर नहीं करेंगे, हम लोग जोन पे चलेंगे। वाह भाई साहब क्या मार रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को जोन से ही मैटर है यार, बंदे मार रहे जो भी करे, चलो जोन पे चलते हैं। और एक ग्लूवल का प्रॉब्लम मेरे को बहुत ही घटिया लगा, और यहाँ पर जब मैं आया एक लैंडमाइन लगा देंगे। ओ भाई साहब कहाँ पर बंदा आ रहा है, यहाँ पर लैंडमाइन पीछे से भी और बंदा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर लेफ्ट पर देख सकते हो क्या बैठा है, यहाँ पर एक बंदा यहाँ पर लेके बैठा है, इसको डैमेज भी कर रहा है, इसको पता नहीं चल रहा है देखो डैमेज कर रहा है। चलो इसको मार दिया, बहुत ही बढ़िया। और ग्लूवल लूट लेंगे और देखते हैं, 5 kill complete। बंदा तो यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्या टैंक पहन के बैठा था मेरे भाई क्या कर रहे है ये टैंक पहन के, वो समझा क्या भाई, उसको कोई नहीं ढूंढेगा वो सोचा था कि बच जाएगा,
कि बच जाएगा कि मेरे को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, मैं आराम से ये डम पहन के निकल जाऊंगा। डम पहन के यहाँ पर बैठा था, रैंक पे कैसे कैसे बंदे रहते हैं मेरे भाई। चलो जल्दी से देखते हैं और बंदा कहाँ पर। ओहो लेप पर मेरे भाई। ओ तो यहाँ पर बंदा जल्दी से डैमेज करेंगे, 12 करके 13, 70 हाईएस्ट, 21, 24 ले रहा है आई थिंक, 9 स्किन का, बहुत ही बढ़िया डैमेज दे रहा है। अच्छा चलो यहाँ पर से अब कार लेके रफू चक्कर होते हैं, नहीं तो बंदा मेरे को पीछे से मारेगा। जल्दी से यहाँ से कार लेके, ओ हो भाई ये डबल एम का शॉट मेरे भाई, छोड़ दे मेरे को, ये डबल एम का शॉट मारा मेरे भाई, एक पूरा एकदम से ख़त्म कर दिया। जाके छोटा सा कवर लेंगे, नहीं तो मेरे को बड़ा सा कवर बना देगा ये लोग। तो आ रहा है 24, देख रहे हो अच्छा डैमेज है यार नो स्किन का, जो लोग बोलते हैं ना नो स्किन यार बहुत ही बढ़िया डैमेज दे रहा है यहाँ पर। ठीक है चलो, मतलब नो स्किन से जैसा ही ले रहा है, थोड़ा डैगन एक तरह लेगा तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या हो रहा है। चलो यहाँ पर नो स्किन एक अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट जोन है, लास्ट सिचुएशन बनता जा रहा है, 27 लिया, बहुत ही बढ़िया डैमेज, और कवर लेंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ यार ग्लू वॉल का क्या प्रॉब्लम है देखना। और यहाँ पर फिर से वो बंदा ऊपर से मार रहा है, फिर से करेंगे एक ही का डैमेज 18, 27 करके, और यहाँ पर बंदा ख़त्म। तो यहाँ पर दो शॉटगन मारा, फिर से ग्लू वॉल मारने के बाद देखो ग्लू वॉल लग ही नहीं रहा है और बंदे ने पूरा एकदम। तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, आज तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।